सर बहुत जो बच्चे तैयारी सोचते हैं लॉ ऑप्शन में रख आई एस की तैयारी करने के उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट ये होता है कि बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़े और जो लॉ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उसके अलावा बहुत किताबें पढ़नी पड़ें क्या सर क्या बात ठीक है नो अगेन बहुत से मिथ्स यू नो अगर हम यू की प्रेपरेशन में बहुत से मिथ्स रिलेटेड है कि बहुत सी बुक्स uh, आपको जी में भी अगर आप पॉलिटी uh, पढ़ रहे हैं तो चार पाँच बुक्स आपके पास होनी चाहिए दिस आर ऑल मिथ्स रादर ये कन्फ्यूज़ करेंगे आपको जो view, आपके ग्रेजुएशन के टाइम जो आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ी है वही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लॉ लिए अप्लाई होगी ठीक है देर इज नो सेपरेट बुक व्हाट्स प्रोवाइडेड आप एक बुक अच्छे तरीके से पढ़ लें और uh, मैं ये uh, ज़रूर कहूँगा कि इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ लें और वो आपके सिलेबस को पूरी मैच करनी चाहिए अगर पूरे सिलेबस उसमें कवर हो रहा है तो वन बुक इज मोर देन सफिशेंट टू सेल सेफली थ्रू द सब्जेक्ट For that matter, तो any. के कर कर सकते हैं। कर सकते हैं, हैं, जो बच्चों को जरूर मैं मैं भी बता सकता हूं। जो आ, अच्छी बुक्स हैं। तो आ, बिल्कुल तो I will definitely share. I'll definitely share. मेंस का यूपीएस ने पैटर्न बदल दिया है और जब मीन रुकते हैं तो उसके बीच में छुट्टी को मिलती नहीं है तो लॉ जैसा ऑप्शन जो तो इतना क्या उसकी रिविजन विदाउट किसी छुट्टी के घुसती है Uh, पहला तो इसका सिंपल uh, आंसर ये होगा कि लॉ ऑप्शनल पहले तो आपने एडवांस में तैयार किया है और जी uh, के साथ साथ कुछ टाइम तक आप उसको पैदल स्टडी uh, कर दो सेकेंडली uh, ये एक गोल्ड uh, स्टैंडर्ड है यू के डेट uh, शीट का कि ऑप्शनल चाहे कोई भी हो ऑप्शनल के बीच में आपको बहुत अच्छी uh, यू नो गैप मिलता है uh, सिर्फ जनरल स्टडीज़ के कंसेकेटिव पेपर्स होते हैं ऑप्शनल में आपको मिनिमम इट वेरी फ्रॉम ऑप्शनल टू ऑप्शनल पर मिनिमम फाइव सिक्स डेज आपको गैप जरूर मिलता है ठीक है तो उन फाइव सिक्स डेज में बड़े कंफर्टेबली लॉ ऑप्शनल को रिवाइज जब आपका ब्रेन भी आपका बिल्कुल रिसेप्टिव होगा क्योंकि जीएस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो पेपर दे चुके हो और लॉ ऑप्शन या कोई भी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल आपने ऑप्ट आप किया है उसके लिए काफ़ी रिसेप्टिव माइंड से आप तैयारी कर सकते हो उस गैप में जब आपका ऑप्शनल सर ये बहुत बार देखा गया है कि जो बच्चे लॉ डिग्री कर रहे हैं सी एफ कर रही है वो लोग लो ऑप्शन करते हैं इसके अलावा वो हिस्ट्री सोशोलॉजी पॉल साइंस तो ट्राई करते हैं सर जबकि लोग पांच साल कर रहे हैं उसका क्या रीजन सर आप मानते हैं देखिए सर इसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं और जो हमने एनालिसिस किया है एक तो सबसे बड़ा कारण है कि जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं अपने लॉ डिग्री कर रहे होते हैं तो सर वो अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ते हैं और कि उसमें अच्छे मार्क्स आए जाए डिग्री हो जाए सेकेंडली जो दूसरा मेन रीज़न हो सकता है कि वो अगर जो लॉ डिग्री कर भी रहे हैं तो वो प्रोफेशनली पढ़ते नहीं हैं मतलब यू का सिलेबस अच्छे तरीके से इन बिटवीन लाइव पढ़ते नहीं हैं प्रीवियस एस के क्वेश्चन को ट्रेंडली uh, 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 देखते प्रीवियस एस के क्वेश्चन का यू uh, नो you know, uh, किस लेवल का क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको नहीं देखते उसका एनालिसिस करते और तीसरा जो मेन कारण है इसका Uh, वो ये है कि वो uh, आई एस एज ए करियर ऑप्शन अगर आप डिसाइड करते हैं तो काफ़ी लेट डिसाइड करते हैं जब उनकी डिग्री लॉ की कम्प्लीट होगी होती है और uh, जो कि उनको ग्रेजुएशन टाइम से ही डिसाइड करना चाहिए था यू पी एस सी एज ए करियर ऑप्शन तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि उनका इंटरेस्ट ये तरह कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बनेगा थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच